तो जमानिया पांडे मोड़ पे अब पहुंच चुका हूं। बताओ कि जनता का मूड क्या है और माहौल की तस्वीरें हमने दिखाने के लिए जमानिया बर्गर पॉइंट वाले के पास ज़्यादा भीड़ लगती है। हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरा मैन, अगर हो तो वो तस्वीर दिखा सकते हैं। ये देखिए, और ये बर्गर इतना प्रसिद्ध है इनका कि ये बर्गर लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहीं पे युवाएं भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, और पुरुष और सब लोग रहते हैं। लेकिन आइए, हमारे बीच बहुत लोग हैं। क्या है जनता का मूड, क्या है लोगों का मूड, हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं जमानिया के पांडे मोड़ पर। भैया 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 भैया, भागिए मत, बुला रहे थे, इधर आ जाइए। ये बताइए कि इस बार क्या करने वाले हैं, इस बार जमानिया की विधानसभा में विधायक कौन और मुख्यमंत्री कौन होना है? तीनों में कंफर्म नहीं है कौन कौन लड़ेगा। मतलब लड़ेगा, छोड़िए, पहले आपका मूड क्या कह रहा है? योगी जी का, योगी जी। हाँ, कुछ काम बताइए जो कि अच्छे काम किए हों योगी जी। नया रोड नहीं बना है, जो है वो रोड नहीं बना है, वाला रोड बनाना चाहिए। रोड बनवाई कि नहीं कुछ दिन? ना ना, कोई भी नहीं रोड बना। बाकी हम लोग योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ है इस बार, मतलब योगी जी का परचम लगा। हाँ हाँ, क्यों योगी जी, क्यों क्यों योगी जी? अपना जी भर रहा हूँ। अच्छा, अपना जी भर रहा है। चलिए, हमारे साथ में एक है चाचा जी है, और चाय की कुर्सियों के साथ में यहाँ पे खड़े हैं, चाहते हैं कि हम भी बोलें। ये बताइए कि इस बार विधायक कौन और मुख्यमंत्री कौन, क्या चाहते हैं आप? योगी बाबा। योगी बाबा, योगी बाबा, क्या वजह क्या है? वजह बहुत बढ़िया है कि सत्ता से लेकर रोड से लेकर हर विकास हो रहा है, हर काम। हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। लाइन जगह तो कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है, एक नंबर का टेंटर। अच्छा, हर व्यवस्था एकदम खुला चाहिए हर व्यवस्था में। और पिछले सरकार में क्या होता था? गुंडागर्दी। चलिए, हमारे साथ में एक लोग और हैं, क्या चाहते हैं, कौन विधायक कौन हो मुख्यमंत्री? योगी बाबा, सबका साथ सबका विकास। क्या देखा आपने भारतीय जनता पार्टी में? राशन फ्री मिला, और जनता का इस बार विधायक को अगर किसी को टिकट मिला तो क्या करेंगे आप लोग? अच्छा, चलिए, हमारे साथ में और लोग भी हैं, इंतजार में लगे हुए हैं कि किसको और कौन। हम बात करते हैं उनसे जिनसे हम बात करने की कोशिश करने वाले हैं और कर रहा हूँ। दरअसल बताऊँ कि जिस तरह से देखा जाए तो जमानिया विधानसभा में चर्चाएं तेज हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कई लोग हैं और कई लोग लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ में बर्गर पॉइंट के रंजीत भैया हैं, हमारे मित्र हैं, और आइए देखिए इनको खींच रहे हैं पकड़ के। और देखिए, हमारे साथ में वैसे भी जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो हम अपनी बात बता देता हूँ, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे साथ में एक समझिए मुख्य दर्शक ये बन के रहे हुए हैं हमारे साथ में, और हमको एक गाइडलाइन जो देने वाला होता है वो हमारे साथ ये रहे हुए हैं। एक जगह से हम जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो ये बताइए रंजीत भैया कि आज हम आए हुए हैं यहाँ पर, हम ये जानने के लिए आए हुए हैं कि इस बार विधायक और मुख्यमंत्री कौन, क्या चाहते हैं आप? सबसे संतुष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ऐसा होगा जनता के ऊपर है, हम नहीं कर सकते हैं, सब जनता करेगा, जनता के ऊपर है। हाँ, सब जनता के ऊपर है। आपका क्या मन है, मैं आपका जानना चाहता हूँ। हमारे हिसाब से तो ओम प्रकाश सिंह ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से भी हो, सरकार जो भी हो, और उनमें क्या देखा आपने कि उनको आपने बताया, और कोई भी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार देखिए, जो भी आता है, जिस हिसाब से काम पैसा फंड होता है, उस हिसाब से काम होता है, ठीक है। हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। ये बताइए कि क्या वजह है कि आप ऐसे चीज़ों की, हमने देखा है 30-35 साल की अगर गणना कर लिया जाए, बात कर लिया जाए, तो योगी सरकार मंत्री रह चुके थे, कैबिनेट मंत्री थे, विधायक थे, एक बेहतर पद पाए हुए थे, फिर भी जमानिया को विकास के पद पर ले जाना बहुत मुश्किल था हम लोगों के, उस गड्ढे में आप खुद भी चले होंगे, कहने की बात नहीं है। अब क्या देखा और उनके में फिर से क्या था आपको? मैं तो योगी सरकार इस मामले में बहुत आगे, कहीं गड्ढा नहीं दिखेगा आपको, और कहीं भी कहीं से कोई शिकायत भी नहीं है, और प्रशासन भी दुरुस्त है। लेकिन फिर भी वही नाम जो कि आपने लिया अभी, जो अभी आपने नाम लिया, हाँ, तो विधायकी में मान लीजिए ओम प्रकाश मंत्री ठीक, जमीनी नेता है यहाँ, और अच्छे है, बात भी सुनते हैं सबका,
चलिए इनकी तो राय हमें जाना, और हम बताएं कि एक चाचा जी हैं सिगरेट उगरेट बड़ा मजा ले रहे हैं सिगरेट उगरेट का। चाचा जी एक मिनट हम आपसे जानने के लिए आए हैं कि सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, विधायक किसको चुनना चाहते हैं और प्रदेश में किसको पहुंचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन बनेगा विधायक, क्या आपकी राय है? हमारा ये है कि मैं जन अधिकार पार्टी का मंडल महासचिव हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि सम्राट अशोक विधायक बन जाए और बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। हम लोग जन अधिकार पार्टी है, जन पार्टी दौरा करते हैं, हम लोग यही जनता को समझाते हैं कि आप लोग आए जन अधिकार पार्टी में और अशोक सम्राट को जबरिया का विधायक बनाइए और बाबू सिंह कुशवाहा को